हेलो एंड वेलकम टू नंबर्स आई एस नेम नाम है और आज के एडिटोरियल और ओपिनियन एनालिसिस में आपका स्वागत है तो आज हम तीन टॉपिक्स कर रहे हैं आस यूशुल तो पहला टॉपिक है हमारा ट्रेडिशन एंड फॉर्मेलिटी तो एक ट्रेडिशन है और फॉर्मेलिटी है कि प्रेजिडेंट हो या गवर्नर वो हाउस को एड्रेस करते हैं इस केस में हम गवर्नर की बात कर रहे हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर को एड्रेस करते हैं ठीक है तो इसके चलते कुछ कंट्रोवर्सी हुई है तो इसके ऊपर एडिटोरियल था तो ये पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्री के लिए बहुत सारे फैक्ट्स मिलते हैं हमें और हाइड्रोसोशल अप्रोच एक सोचने की चीज़ है क्या है ठीक है तो वाटर के चलते दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम अब आप इसको GS2 टू वाटर गवर्नेंस GS3 थ्री इन्वायरमेंट इकोलॉजी कहीं पे भी इसको ले सकते हैं आप लोग इनफैक्ट GS1 वन अगर हम सोसाइटी के परस्पेक्टिव से भी बोलते डिपेंड्स आई मीन कैसे उस क्वेश्चन को फ्रेम किया है तो कहीं भी लग सकते हैं अ न्यू विजन फॉर ओल्ड एज इधर जी एस वन और जी एस टू तो ओल्ड एज एल्डरली पॉपुलेशन उनके लिए क्या करना चाहिए एक ही अप्रोच दे रखी है एक ही सजेशन दे रखा है पर हम थोड़ा और इसको एड ऑन कर लेंगे बिकॉज ओल्ड एज का जो इशू है दैट इज गोइंग टू बी एन इमर्जिंग इशू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे राइट तो इस पर क्या क्या इश्यूज होंगे इसको थोड़ा और एक्सपैंड एलेबोरेट हम आगे कर लेंगे चलिए तो फर्स्ट न्यूज पे आते हैं ट्रेडिशन एंड फॉर्मेलिटी तो एक ट्रेडिशन और फॉर्मेलिटी है पर वो कॉन्स्टिट्यूशन से आ रही है वो बोलती है कि जब एक सेशन स्टार्ट होता है ठीक है पहली बात जब इलेक्शन होता है स्टेट्स के अंदर जैसे पार्लियामेंट में इलेक्शन होता है जनरल जनरल इलेक्शंस होते हैं, वैसे ही स्टेट का जैसे आजकल अभी इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं इनफैक्ट आ रहे होंगे जब मैं क्लास हो रही है ये तो जब इलेक्शन होता है एंड द फर्स्ट टाइम द स्टेट लेजिस्लेचर मीट्स सो द फर्स्ट सेशन आफ्टर द इलेक्शंस और फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर ठीक है अब सेशन आपको समझ आ रही है सेशन मतलब बहुत सारी सेटिंग्स ठीक है तो उसको हम सेशन कहते हैं सेटिंग छोटा सा हो गया सेशन बड़ा होता है ओके okay. तो ये जो सेशन है वो गवर्नर इसको एड्रेस करते हैं गवर्नर इसको एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट्री लेवल पे प्रेजिडेंट इसको एड्रेस करते हैं ठीक है थीके? तो मोशन ऑफ थैंक्स कहते हैं ये आपका आर्टिकल 87 है पार्लियामेंट के रेफरेंस में और गवर्नर के रेफरेंस में आर्टिकल 176 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके तो आप प्रोविजंस इसको पढ़ ही सकते हैं यहाँ पे तो गवर्नर क्या बोलते हैं क्या एड्रेस देंगे गवर्नर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द एट एंड एडवाइस गिवन बाई द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो जैसा उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं वैसा वो एडवाइस देते हैं वैसा एड्रेस देते हैं यहाँ पे और क्या बोलेंगे बेसिकली बोलते हैं कि देखिए हमने पिछले साल में ये ये काम किए थे अच्छा किया हमने बहुत अच्छा किया और आगे के लिए हमारी ये पॉलिसी रहेगी तो इट इज़ काइंड ऑफ अ पॉलिसी स्टेटमेंट गिवन बाय द गवर्नर टू द स्टेट लेजिस्लेचर और ये एक तरह से इंफॉर्मेशन है कि द गवर्नमेंट ऑफ द डे क्या सोचती है ठीक है अब ये जो एड्रेस दिया अब ये डिस्कस होगा वाह ही होगी या क्रिटिसिज्म होगी ऑपोजिशन क्रिटिसाइज करेगी रूलिंग पार्टी वाह करेगी इसकी सो इट इज डिस्कस्ड हियर एंड द स्टेट लेजिस्लेचर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विल पास अ रेजोल्यूशन कि वो अग्री करते हैं नहीं करते हैं ठीक है तो उसके बारे में होता है अब आपके यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर दो हाउसेस हैं तो दोनों हाउसेस में रेजोल्यूशन पास होगी पर मान्यता एक ही को मिलती है जहाँ पे मतलब जो मेन हाउस है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसी का इम्पॉर्टेंस है लाइक वाइज जब मोशन ऑफ थैंक्स होता है पार्लियामेंट के रेफरेंस में तो लोकसभा राज्यसभा दोनों पास करती है राज्यसभा में हमेशा फेल हो जाता है बिकॉज मेजोरिटी नहीं है बीजेपी की वहां पे लोकसभा में हमेशा पास होता है क्या होगा अगर फेल हो गए अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में यह पास नहीं हुआ इट मींस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या द गवर्नमेंट डज नॉट एंजॉय कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस तो एक खतरा है कि भाई मेजोरिटी नहीं है मेजोरिटी नहीं होगी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा पर क्या अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रिजाइन आई मीन अगर वो वोट नहीं करते हैं उसको रेजोल्यूशन को कैंसिल कर देते हैं एड्रेस को तो क्या होता है कुछ नहीं होता सेंशियर हो जाती है ठीक है इट्स काइंड ऑफ अ सेंशर एक क्रिटिसिज्म मान लो बट इट रिफ्लेक्ट्स की मेजॉरिटी नहीं है तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन बिल नो कॉन्फिडेंस मोशन रेजोल्यूशन होगा फिर उसके बाद ठीक है उसके लिए वोट होगा यहां पे और अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा गेटिंग द पॉइंट इसका बस ये मतलब है तो इट इज एन इंडिकेशन कि गवर्नमेंट के पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो गवर्नमेंट को फिर अपना कॉन्फिडेंस साबित करना पड़ेगा एट द फ्लोर ऑफ दी हाउस दैट इज बाय दैट इज बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन सिस्टम राइट तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट हो गया पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हुआ क्या वेस्ट बंगाल में चलता रहता है कुछ ना कुछ ठीक है तो चीफ मिनिस्टर ममता बैनर्जी एंड लेजिस्टर्स ऑफ अ पार्टी है वर्चुअली प्लीड विद द गवर्नर जगदीप ढंकर ढंकार ठीक है तो बोला उन्होंने कि मैं नहीं करूंगा यार तुम लोग मेरी बातें बातें सुनते नहीं हो ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया आपके चीफ मिनिस्टर ने जो भी है ठीक है तो मैं तो एड्रेस नहीं दे रहा पर यह तो देना पड़ेगा ये तो ट्रेडिशन है फॉर्मेलिटी है फॉर्मेलिटी समझ रहे हैं फॉर्मैलिटी तो ये तो कन्वेंशन है तो देना पड़ेगा तो उन्होंने बोला ऐसे तो नहीं चल सकता आप मान, आपको तो मानना पड़ेगा वर्चुअली चु प्लीड इट तो ये तो एक सिनारियो हो गया दूसरे सिनारियो में स्टेट बोल रहे भाई हम नहीं चाहते कि गवर्नर एड्रेस करें ठीक है तमिल तमिल ईसाई सौंतराजन ये और भी न्यूज़ में थे अभी एक लड़की को अरेस्ट कर दिया था स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चक्कर में न्यूज़ में थे इन्होंने आर्ग्यूमेंट में चले गए थे तो लड़की को अरेस्ट कर लिया ठीक है कैनेडियन तमिल ओके okay. तो ये बोले कि यहाँ पे तेलंगाना की जो तो गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि हम नहीं चाहते कि ये एड्रेस करे पिछली बार एड्रेस किया था तो अब हमें क्रिटिसाइज ही कर दिया हमने इनको एड्रेस बोला देने के लिए और ये तो हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं हम नहीं चाहते आप करें ठीक है तो ये हो गया ये तो फॉर्मेलिटी है ट्रेडिशन है तो क्या देखिए वो टेक्निकल ग्राउंड है कि सेशन ना पिछली बार जब बंद हुआ था सेशन होता है ना टाइम टू टाइम तो पिछला सेशन तो प्रोरोक किया नहीं था तो ये जो अभी सेशन बिट सेटिंग हुई है अभी वो पिछला सेशन ही चल रहा है ऐसे कैसे हो सकते मैंने पढ़ा था इसको तो प्रोरोक तो हुआ ही था ठीक है तो ये टेक्निकल ग्राउंड पे ये बातें कर रहे हैं यहाँ पे हाँ भाई दो वे प्रोरोक प्रोरोक का कौन एक होता है सिटिंग होती है जैसे कि द हाउस इज अडजोन आपने सुना होगा ठीक है स्पीकर या चेयरमैन ऑफ द हाउस बोलती है तो वो सिटिंग या हाउस इज अडजोन फॉर सो मच टाइम वो सिटिंग बंद करते हैं रद्द होती है प्रोरोग होता है सेशन ठीक है बहुत सारी सेटिंग्स होती है उसमें तो सेशन को रद्द करते सेटिंग सेशन राइट right, सो so, प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस अमाउंट टू एंड ऑफ द सेशन ओके okay, और वो गवर्नर करते हैं प्रेसिडेंट करते हैं पार्लियामेंट के फॉर्म में उसमें ठीक है तो ये बात है यहां पे और फिर वापस वही बात आ जाती है कि गवर्नर के साथ एसोसिएटेड इश्यूज़ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंस्टीट्यूट ऑफिस ऑफ गवर्नर एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट जो कल हमने काफी डिटेल में किया था वैसे चलिए सेकेंड टॉपिक पे आते हैं वॉटर मैनेजमेंट नीड्स अ हाइड्रो हाइड्रोसोशल अप्रोच ही पहले कर लेते हैं ये पानी और सोशल का क्या चक्कर है ठीक है हमें पता है कि वाटर स्कैसिटी है ठीक है वाटर स्कैसिटी के रेफरेंस में बहुत सारे फैक्ट्स दे रखे हैं तो हमें ये भी पता है मैं एक बहुत बार यूज़ करता हूँ सिक्स सिक्सटी मिलियन ऑफ पॉपुलेशन एज वाटर स्ट्रेस्ड तो कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स से हमें पता लगता है तो एक होता है कि पानी नहीं है आपके पास पानी तो चाहिए जीने के लिए ठीक है जल ही जीवन है पानी तो चाहिए डोमेस्टिक नीड्स के लिए फार्मिंग के लिए पानी तो चाहिए चाहिए पर पानी का एक सोशल पर्सपेक्टिव भी है यहाँ देखिए फोटो में बिल्कुल अनइंटेड एड है कोई आर्टिकल में रेफरेंस नहीं है पर नोटिस कीजिए ये वुमेन ही क्यों है जो तो पानी निकाल रही है यहाँ पे आप दूरदर्शन की वो पुरानी वाली ऐड देखे मिले सुर है ना वो वाला जो एक चलता है अच्छा सा है नहीं देखा तो देखना उसमें भी दिखाएंगे लेडीज आर कैरिंग वाटर वो गम मटका लेके अपने सिर पर लेडीज ही क्यों है सोशल परस्पेक्टिव अगर पानी नहीं मिल रहा तो लेडी को जाना पड़ेगा तो उसके जॉब करने के प्रोस्पेक्ट एडुकेशन के स्कूलिंग के प्रोस्पेक्ट वो सब अंडरमाइन हो जाते हैं सो देर इज अ जेंडर परस्पेक्टिव अच्छा पानी नहीं होता है तो या तो मोटेलिटी हो जाएगी मर जाओगे आप या मोरबिटी होगी और ऐसा कहां ज्यादा होता है जहां पे पानी अवेलेबल नहीं है सिटीज में आपको फिर भी मिल जाता है पानी बट वॉटर अबाउट द रूरल एरियाज राइट रूरल एरियाज और रूरल एरियाज में भी जो ज्यादा गरीब है उसको नहीं मिलेगा सो इक्विटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अर्बन एरियाज में स्लम में आपको नहीं मिलेगा सो देर इज डेफिनेटली इनकम के हिसाब से भी चल रहा है यहां पे और द वे इसके लिए जल मिनिस्ट्री ऑफ वाटर को चेंज कर दिया गया था जल शक्ति मिनिस्ट्री बना दिया गया था फिर जल जीवन मिशन बनाया एक नई स्कीम जो बोलती है 2024 तक हम रूरल हाउस होल्ड में टू ऑल रूरल हाउस होल्ड हम पानी प्रोवाइड करेंगे ठीक है तो इक्विटी इक्विटी इज एन इश्यू है सो बी बिना बेसिक पॉइंट है कि सोशल परस्पेक्टिव है अच्छा आपको पानी नहीं मिल रहा फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज रूरल फार्मिंग पे डिपेंड कर रही है वो नॉट रूरल हाँ इतना हो सकता है कह सकते हैं इसको पर फिफ्टी फाइव परसेंट इज डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग पानी नहीं है तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कम हो रही है इसकी वजह से इनकम्स कम हो रही है इट इज़ लीडिंग टू एम्पावरिशमेंट इट इज लीडिंग टू माइग्रेशन पुश माइग्रेशन ठीक है तो सोशल परस्पेक्टिव तो है ही है पानी के चलते चलिए इसको तो मैं और इसको बढ़ा सकते हैं हम लोग अब वापस इस आर्टिकल पे आ जाते हैं ऑल आई वांटेड टू से पर आर्टिकल इसको एड्रेस नहीं करता कि सोशल एस्पेक्ट क्या है ठीक है तो ये बेसिक इसका सोशल एस्पेक्ट है अब बेसिक चीज है हाइड्रो सोशल अप्रोच हम बात कर रहे हैं लेट्स डू जस्ट हाइड्रोलॉजिकल अप्रोच पानी का और ये वाटर मैनेजमेंट और वाटर गवर्नेंस के ऊपर है तो सबसे पहली चीज क्या है पानी नहीं है ठीक है पानी नहीं है तो पानी कैसे लेके आएंगे पानी कैसे अवेलेबल कराएंगे तो उसकी पॉलिसी के बारे में बात कर रखा है और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं ओके फाइन सो प्रीलिम्स के लिए मैं क्या बोल रहा था हमारे पास कुछ चीजें मिल रही है जैसे कि ग्लोबल वाटर सिस्टम प्रोजेक्ट ठीक है तो ये बता रहा है कि ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है वो बोल रहा है कि आपको बताना चाहिए किसने इनिशिएट किया किसका काम है वो सब बता रखा है आर्टिकल में वो कह रहा है कि ह्यूमन इंट्यूस्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेश वाटर ह्यूमन की वजह से जो चेंजेस हुए हैं उसे अर्थ के सिस्टम पे सोसाइटी के चलते बहुत प्रभाव पड़ा है और वो नकारात्मक प्रभाव नेगेटिव इफेक्ट उस पर पड़ा है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज भी बोल रहा है कि देर इज देर विल बी अ गैप ऑफ 40 परसेंट डिमांड और सप्लाई के बीच में 40 परसेंट का गैप होगा वैसे अगर आप देखिए मैं बोल रहा हूँ सिक्स सिक्सटी मिलियन ऑफ अ पॉपुलेशन इज वाटर स्ट्रेस का क्या मतलब हुआ आधी पॉपुलेशन हो गई तो 50 कैप तो वही हो गया चलिए 2030 वाटर रिसोर्स ग्रोप इन 2008 ठीक है तो ये वर्ल्ड बैंक का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड बैंक का है तो वो बोल रहे हैं कि अगेन इट इज टॉकिंग अबाउट वाटर स्कैसिटी ठीक है तो ये यह, यहाँ पे हमारे पास और मिल रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एस टी गोल नंबर सिक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 कि हमें सबको पानी अवेलेबल कराना है वाटर अवेलेबिलिटी एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030 देन यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट तो अब ये वाटर वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है यूनाइटेड नेशंस और इस 2020 का 2021 का जो थीम था वैल्यूइंग वाटर पानी को कैसे यूज कर रहे एक तरह से एफिशिएंसी की बात आ जाती है चलिए तो ये बेसिक बातें हैं कि पानी नहीं है हमारे पास बेसिक चीज ये बात हो रही है तो स्कैरसिटी ऑफ वाटर ठीक है अब मैंने आपको बता दिया कि एक एक तो सोशल इंपैक्ट इसका है ठीक है यह वाला एस्पेक्ट आप इसको इस सोशल परस्पेक्टिव नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है आप कोई भी इनिशिएटिव देखिए गवर्नमेंट का और ऐसा मैं नहीं कहता मेर चाह कमेटी रिपोर्ट बोलती है कोई भी इनिशिएटिव देखिए वो बोलते हैं कि पानी जहां सरप्लस है डेफिसिट एरिया में उसको पानी ट्रांसफर कर देते हैं द फोकस इज ऑल सिविल इंजीनियरिंग डैम बनाओ कनाल बनाओ जहां पानी सरप्लस है उसको द वॉटर डेफिसिट एरिया में ले आओ तो इंट्रा बेसिन ट्रांसफर और इंटर बेसिन ट्रांसफर गंगा रिवर यमुना रिवर जो भी रिवर है उसकी अपनी अपनी बेसिन होती है तो अगर जिस इंट्रा बेसिन का मतलब हुआ कि उसी बेसन में अगर पानी कम है तो उसी रिवर को पानी को उसी उसी जगह में घु घुमाओ उसी रिवर के एसोसिएट इंट्रा बेसिन का एग्जाम्पल है आपका नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर वाटर्स केन बेट व लिंक प्रोजेक्ट तो वो सब इंटरलिंक एक बेसिन से दूसरे बेसिन में पानी लेके जा रहे हैं चलिए तो ये हमारा अप्रोच रहा है मेयर शाह बोलते हैं कि हमारी जो सेंट्रल वाटर कमीशन है और ये सारी बॉडीज है ये तो सारी सिविल वर्क इंजीनियरिंग ओरिएंटेड है हम लोग सोसाइटी पे क्या प्रभाव होगा उस पर फोकस ही नहीं कर रहे पानी जो एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है उसका फोकस नहीं कर रहे हैं हम बेसिकली सप्लाई साइड इश्यूज पे बात कर रहे हैं कि पानी की सप्लाई इंप्रूव करानी है पर डिमांड साइड मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे ठीक है थीके? तो ये उनका मानना है अब ये आर्टिकल और बोल रहे हैं कि आप ये सप्लाई साइड से बात कर रहे हैं कि सरप्लस जगह से कम जगह पे पानी ले जाएंगे हम लोग पर कितना एक्यूरेट होगा ऐसा प्रोजेक्शन आपने इंफ्रा बना दिया आपको पता है कि देर इज ब्रेक्स इन मॉनसून देर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन्स भी वैरी करती है टाइम टू टाइम तो, तो जरूरी नहीं है कि आज सरप्लस है या इट हैज बीन रिमेनिंग इन सरप्लस वो सरप्लस रहेगा वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं आजकल ठीक है अच्छा ये वाली बात हो गई दूसरी बात है जहां पे पानी ऑलरेडी सरप्लस था वो इकॉनमी वो सोसाइटी इकोलॉजी उसके यूज तो थी अब वहां से आप पानी शिफ्ट करेंगे तो उनपे क्या इफेक्ट होगा इकोलॉजी की बात करें तो क्रोकोडाइल एंड दो स्पीशीज एट अ देयर विच आर एसोसिएटेड विद एनवायरमेंट उनको नुकसान होगा इट विल कम एट अ ग्रेव कॉस्ट होती इन्वायरमेंट एंड एकजी और इस केस में चाइना का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं प्रोजेक्ट हैव बीन क्रिटिसाइज्ड क्योंकि okay, वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं सब इंटरलिंकिंग और ये सब चलिए सो इट इज हार्डली वर्कड आउट बेसिकली तो ठीक है अब ये ये वाली बात होगी अब अगर हम बे बेसिक बात कर रहे हैं स्केसिटी एंड सोशल एस्पेक्ट अब वाटर के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग सप्लाई साइड मैनेजमेंट ठीक है हम इसकी बात कर रहे हैं हम इंटर बेसिन इंट्रा बेसिन ट्रांसफर की बात कर रहे हैं ये वाला बात हो गई अब क्रिटिसिज्म भी हमने डिस्कस कर लिया अब नेक्स्ट आती है कि हमने जो कैपेसिटी बनाई अभी यहां पे कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटी तो बना रहे हैं हम लोग पर हम उसको कितना यूज कर लेते हैं तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारी इतनी अच्छी नहीं है तो यहां पे बता रहा है कि बाय 2016 इंडिया क्रिएटेड इरिगेशन पोटेंशियल फॉर 112 मिलियन हेक्टर्स ठीक है बट ग्रॉस इरिगेटेड एरिया वाज 93 मिलियन तो देर इज अ गैप ऑफ 90 19 परसेंट जो बड़ा नंबर है एक्चुअली ठीक है वन फिफ है बड़ा नंबर है तो हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है दूसरी बात वॉटर यूज एफिशियंसी भी बहुत कम है हंड्रेड यूज एफिशियंसी तो हो नहीं सकती ठीक हंड्रेड परसेंट तो हो ही नहीं सकती आप कनाल से भी पानी एक जगह से दूसरे लेके जाओगे इवेपोरेशन हो जाएगा पानी सीपेज हो जाएगा कुछ भी हो जाएगा तो डेवलप्ड कंट्रीज का इंडिकेशन ले सकते हैं डेवलप्ड कंट्री में वाटर यूज इज फिफ्टी टू सिक्सटी और हमारी कंट्री में अबाउट थर्टी एट परसेंट तो बहुत गैप है जिसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा तो वाटर यूज एफिशियंसी की अगर हम बात करते हैं इसको तो कहां पे सबसे ज्यादा पानी यूज होता है एग्रीकल्चर में ये कह रहे हैं नाइनटी परसेंट ऑफ टोटल वाटर यूज इज इन एग्रीकल्चर अभी तक वैसे नॉर्मली हम फोर फिफ्थ बोलते हैं मतलब एट्टी परसेंट चलो नाइन्टी परसेंट मान लेते हैं हम लोग तो एग्रीकल्चर में जो यूजेज है वाटर एफिशिएंसी का उसको हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है क्योंकि वो सरप्लस हमारा यूज हो रहा है पानी वहां पे डोमेस्टिक वाटर भी जैसे यूज करते हैं वो भी इतना एफिशियंट नहीं है हमें वाटर एफिशियंसी की बात करनी चाहिए अब एफिशियंसी की अगर हम बात करते हैं स्पेशली एग्रीकल्चर के अंदर सो वट कैन बी डन पहली बात एग्रीकल्चर में बात करते हैं सो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है अम्ब्रेला स्कीम फॉर रिफॉर्मिंग द इरिगेशन सेक्टर उसमें एक स्कीम है मोर ड्रॉप पर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन मोर क्रॉप पर ड्रॉप ठीक है ज़्यादा क्रॉप होंगे कम पानी के चलते तो माइक्रो इरिगेशन पे काम करने की जरूरत है हमें एफिशिएंसी बढ़ाने की ज़रूरत है जो पानी आ रहा है बारिश वारिश हो रही है इसराइल है सिंगापुर है एग्जाम्पल्स है जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी हमसे बहुत ज़्यादा है पर पानी की कमी भी बहुत ज़्यादा है तो वो कैसे मैनेज कर रहे हो उनकी एग्रीकल्चर भी बड़ी अच्छी है हमसे सो वी नीड टू फोकस ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो ट्रेडिशनल सोर्सेस हैं हमारे पास पॉन्ड्स है कनाल्स है उस पर हमें जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स है ट्रेडिशनल नो हावे पे फोकस करने की जरूरत है हमें वी नीड टू फोकस ऑन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हमने ये ग्रीन रेवल्यूशन के चलते जैसे पंजाब है पैटी कल्टीवेशन हो रही है जैसे सेमी आरड एरिया ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है उससे ट्यूबवेल्स के साथ आप पानी लेके आ रहे हैं वो ही नहीं था उस एनवायरनमेंट के लिए आप फिर भी जबरदस्ती कर रहे हो तो वाटर स्कैसिटी तो होगी वहां पर एफिशियंटली यूज नहीं होगा वहाँ पे जहाँ पे सर्पलस है वहाँ पे यूज कीजिए ब्रिंगिंग ग्रीन रेवल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया ठीक है तो एफिशियंसी को इम्प्रूव करने की जरूरत है आपको पॉइंट मैंने साथ साथ में दे दिया चलिए अब ग्रे वाटर यूज पे आते हैं ये ग्रे वाटर यूज़ क्या होता है गंदा पानी साफ पानी साफ होता है ग्रे वाटर ग्रे कलर का होगा काला पानी नाली का पानी जब बाहर आता है बारिश के टाइम पे देखा होगा आपने तो इसको हम ट्रीट क्यों नहीं कर लेते ये पानी आ ही रहा है तो इसको ट्रीट करके हाँ आपको लगता है कि चलो नहीं पी सकते वैसे पी सकते हैं आप पर इसको एटलीस्ट टॉयलेट में जो पानी यूज़ हो रहा है वहां पर यूज़ हो सकता है ठीक है खेती में यूज हो सकता है सो वी कैन यूज दैट वाटर इट इज ऑलरेडी देयर बस हमें ट्रीटमेंट पे काम करने की जरूरत है ट्रीटमेंट ऑफ दैट वाटर बॉडीज ठीक है तो ये हमें ठीक करने की जरूरत है सो ट्रीटिंग ऑफ and एंड of ऑफ water, ठीक है तो ये चीजें हैं जिसपे हमें यहाँ पे काम करनी चाहिए रादर आई लैड वन वो कॉन्सेप्ट सेंट्रल वाटर कमीशन जो है हमारी मेयर शाह कमेटी रिपोर्ट बोल गए कि सेंट्रल वाटर कमीशन जो है सारा इंजीनियर ओरिएंटेड है हमें पानी के हम जो पॉलिसी भी बनाते हैं ऑब्वियसली हम डैम वगैरह पे फोकस करते हैं हमें सोशल परस्पेक्टिव पे भी फोकस करना ज़रूरी है उस पानी का इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पे क्या फ़र्क होता है वो भी देखने की ज़रूरत है अभी यहीं देख लीजिए पंजाब में आप गलत प्रैक्टिसेस की वजह से एरिटी और बढ़ जाएगी तो इनफैक्ट इट इज नॉट जस्ट अबाउट बायोडाइवर्सिटी या इंपैक्ट जो हो रहा है वहां के इन्वायरमेंट पे पर नेगेटिव इंपैक्ट उसको रोकने की भी जरूरत है हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिस की जरूरत है हमें एग्रीकल्चरस भी यहाँ पे होने चाहिए हु हैव अ बेटर नॉलेज ऑफ द सिस्टम ठीक है तो डिमांड साइड मैनेजमेंट पर भी काम करने की जरूरत है नॉट जस्ट सप्लाई साइड मैनेजमेंट राइट देन सो दिस कंक्लूड आंसर आई मीन नॉट दंसर बट दी आर्टिकल ओवर है पर अगर आप देखिए आंसर आपका बन जाता है यहाँ पे तीन चार बन जाएंगे वैसे न्यू विजन फॉर ओल्ड एज मी एक्सप्लेन इसमें ना ज्यादा है नहीं हम थोड़ा ऐड करेंगे इसमें पहली बात तो हमारी कंट्री में क्या हो रहा है आजकल डेमोग्राफिक डिविडेंट और मेन एज कितनी है ट्वेंटी नाइन ईयर्स ठीक है मान लीजिए ये है आपका डेमोग्राफिक चार्ट मेरी ड्राइंग को थोड़ा एक्सक्यूज कीजिए और ये वर्किंग एज ग्रुप है जो 15 टू 64 फोर ईयर्स का एज है ठीक है तो ये वर्किंग है इसके नीचे फिर बच्चे बच्चे आ जाएंगे तो ये हम हम रेफरेंस पॉइंट इसको ये ले रहे हैं ठीक है थीके? 15 टू 64 फोर ईयर्स और ये है हम हम अभी है ट्वेंटी ट्वेंटी में मीन एज अभी बताया गया था 29 नाइन ईयर्स है अभी न्यूज में आया था चलिए तो ये है अब क्या हो रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंट इसका मतलब है मोर पॉपुलेशन इन दिस क्रेज ग्रुप और फिर जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है बच्चे और एल्डरली वो कम हो रही है ठीक है एंड ग्रेजुअली ऑब्वियसली दे विल डाई डाईसो एज ग्रुप आप समझ लीजिए फिफ्टीन टू लाइक दैट अल्टीमेटली पीपल विल विल डाई एंड दिस गेट रिप्लेस नाउ इमेजिन वैन वी गो टू ट्वेंटी थर्टी ट्वेंटी फिफ्टी बीस साल बाद बीस साल ही मान लेते हैं तो बीस साल बाद ये चार्ट ये तो ऊपर हो जाएगा ठीक है अब रेफरेंस लाइन ये हो गई अब हमें पता है कि फर्टिलिटी रेट इज कमिंग डाउन टो टू पॉइंट कुछ है टू पॉइंट टू इज रिप्लेसमेंट रेट तो उस पर स्टेबल हो जाती है तो हमारा अभी उससे थोड़ा सा ऊपर है पर गिर रहा है ठीक है तो इवन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं टू पॉइंट टू पे है बस इट्स जस्ट दैट यूपी बिहार ये जो एरियाज है जहां पे पॉपुलेशन रेट थोड़ी हाई है वहां पे है पर ओवरऑल गिर रहा है इनफैक्ट वन पॉइंट सिक्स सेवन पे भी है कुछ जगहों में ओके सो इट इज कमिंग डाउन बेसिकली ठीक है अब आप इमेजिन कीजिए दीज पीपल आर नो मोर और अबाउट टू डाई ठीक है तो 15 टू 64 फोर एज फोर्टी नाइन ईयर्स के हो okay? गए 30 ईयर्स और ले लो तो ट्वेंटी फिफ्टी बना लो इसका तो सिक्सटी फिफ्टी नाइन ईयर्स के हो okay? गए है ना तो ये 59 नाइन ईयर्स के है अभी और पॉपुलेशन एक्चुअली गिर रही है बाद में स्टेबलाइज हो जाएगी ठीक है 2.2 मान लीजिए हो गया तो स्टेबलाइज हो जाएगी वॉट आर वी हैविंग वी आर हैविंग दिस बल्ज जो भी है डेमोग्राफिक डिविडेंट की वजह से वो और ऊपर जा रहा है और पॉपुलेशन एजुकेशन अवेयरनेस अर्बनाइजेशन की वजह से कम हो रही है खर्चा होता है ना बच्चे पैदा होते हैं ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा आपको ओके okay, तो पॉपुलेशन कम हो रही है तो वी विल हैव मोर इज़ डिपेंडेंट और हमें उस पर काम करने की जरूरत है ठीक है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और ऐसे आप चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए यहां पे ठीक है तो ये बेसिक इशू है यहां पे ओके okay. अब इनकी क्या नीड्स होंगी ओल्ड एज के पॉपुलेशन के बारे में हमें नेचुरली हमें इनके लिए पॉलिसी बनानी चाहिए दे आर डिपेंडेंट अगर आप वर्किंग होते हैं तो आप खुद से अपने आप देख लेंगे आपके जो बेसिक चीजें हैं जैसे कि हेल्थ केयर हो गया खाना पीना हो गया आप खुद से कर लेंगे तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इतना नहीं चाहिए बट इट इज रिक्वायर्ड फॉर ओल्ड एज पीपल तो ओल्ड एज के चलते क्या चीजें होती है फाइनेंशियल्स और फाइनेंशियल नीड्स ठीक है नहीं तो इम्पावरिशमेंट ऑफ द ओल्ड एज हो जाएगा अच्छा एम्पावरिशमेंट फेमिनाइजेशन ऑफ ओल्ड एज तो है ही है हमारे कंट्री के आई मीन मोर नंबर ऑफ पीपल वुमेन टेन टू लिव लॉन्गर और उसमें पॉवर्टी को ऐड कर दीजिए तो जेंडर परस्पेक्टिव आ गया फाइनेंशियल अब एच की रिपोर्ट है वो कहती है कि थर्टी थ्री परसेंट ही है जो पॉपुलेशन है अभी जो पॉपुलेशन है वो अपने ओल्ड एज के लिए सेव कर रही है अच्छा और अगर आप मान के चलिए ये तो थर्टी थ्री परसेंट वेटेड एवरेज हो जाएगा ना कि आपने कितने पैसे डाले सबने मिलके उसकी एवरेज निकाल ली आपने अब मैं बोलूं कि अगर आप सबको देखिए आसपास का एन्वायरमेंट रूरल एन्वायरमेंट को देखिए तो वो तो और बड़ा नंबर हो जाता है एक्चुअल में ठीक है सो लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल रिक्वायर फाइनेंशियल सपोर्ट और इतना क्या हम सपोर्ट कर पाएंगे तो वी हैव टू प्लान फॉर दिस ठीक है पेंशन वगैरह में एनरोलमेंट करने की जरूरत है नेशनल पेंशन स्कीम ओके हेल्थ केयर इश्यूज अच्छा जो इनकी हेल्थ केयर होगी वो अलग होगी हेल्थ केयर आई साइट की प्रॉब्लम होगी ठीक है यही आर्टिकल में बता रखा है विजिबिलिटी इश्यूज ओके देन पास का दिखना कम हो जाता है दूर का तो वैसे ही कम हो जाता है ये पढ़ाई करते करते हो जाते हैं ठीक है थीके? तो पास का दिखना कम हो जाता है देन योर रिफ्लेक्सेस कम डाउन टेन टू फॉल मोर आपने कितनी बार अपने रिलेटिव में भी सुना होगा वे फ्रैक्चर हो गया वो हो गया देर इज अ सेंस ऑफ डिसबिलिटी देर इज ऑल्सो द इशू ऑफ डिमेंटिया इनफैक्ट द नीड फॉर अ पॉलिसी ऑन एक अलग क्वेश्चन बन सकता है अब डिमेंटिया क्या होता है डी जनरेशन ऑफ द ब्रेन स्टार्ट डी जनरेटिंग आफ्टर पॉइंट ऑफ एज उसके बाद बिल्कुल आप भूलना शुरू कर देते हैं तो पाकिनस वगैरह दे आर कमिंग अंडर द क्लास ऑफ डिजीज नोन एज डिमेंशिया तो डिमेंशिया उस तरह की बीमारियां कैंसर ठीक है तो इनके लिए रीनल फेलियर तो इनके लिए इस तरह की बीमारियों के लिए काम करने की जरूरत है हमारा जो हेल्थ केयर है वो प्राइमरीली कम्युनिकेबल डिजीजेस के ऊपर ज्यादा ओरिएंटेड है ठीक है तो वी नीड टू वर्क ऑन सच डिजीजेस कार्डियोलॉजी डायबिटीज कैंसर रिसेप्टर ओके सो हेल्थ केयर हो गया फाइनेंशियल हो गया हमारे पास आइसोलेशन बच्चे दूर जा रहे हैं न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली टेकिंग प्लेस ठीक है place, अब हो ही है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम टूट रहा है ऊपर से आपको सेंस ऑफ डिसेबिलिटी नॉट एबल टू गो आउट यू नीड पीपल टू हेल्प यू फॉर थिंग्स तो इन आइसोलेशन सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड अल्टीमेटली टू एडवर्स मेंटल हेल्थ तो ये कुछ इश्यूज़ हैं यहाँ पे विद रेफरेंस टू ओल्ड एज एंड इसके लिए हमें पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन लेने की जरूरत है चलिए तो अब ये क्या बोल रहे हैं आर्टिकल इज वेरी स्पेसिफिक ये बोल रहा है कि ओल्ड एज है न्यूक्लियराइजेशन हो रही है तो बच्चे क्या कर रहे हैं या पेरेंट्स क्या कर रहे हैं आजकल ओल्ड एज होम्स में जा रहे हैं और ये ओल्ड एज होम्स है वो रेगुलेटरी ओवरसाइट्स में नहीं आ रही है तो उसके चलते जो ओल्ड एज लोगों को प्रॉब्लम है स्पेसिफिकली लाइक डिसेबिलिटी वो उतने फ्रेंडली नहीं है टूवर्ड्स द कंसर्न्स ऑफ द ओल्ड एज ठीक है घर दे दिया टीवी टू भी है छोटा मोटा पर ओवरऑल जो बेसिक और नीड्स है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं हमें थोड़ा और उसको ओल्ड एज फ्रेंडली बनाने की जरूरत है ओल्ड एज होम्स को और ओल्ड एज फ्रेंडली बनाने की जरूरत है यहाँ पे तो इसके चलते बोल रहे हैं कि वॉट द गवर्नमेंट डू एस दे शुड हैव ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कि भाई डिसेबल्ड है तो दिस, uh, मतलब नॉट रियली डिसेबल्ड बट देर आर सम डिसेबिलिटीज तो उसके लिए कुछ फ्रेंडली सिस्टम होना चाहिए वहाँ पे ठीक है तो ये है हेल्थ केयर नीड्स जो भी है उसको इजी इधर ही करा देना चाहिए अब ये आर्टिकल स्पेसिफिकली हेल्थ केयर के बारे में बात कर रहे कह रहे हैं कि जब ओल्ड एज वाले ज़्यादातर यहाँ पे है तो दिस कैन बी द ऑफिशियल और दिस शुड बी द फॉर्मल पाथवे फॉर हेल्थ स्क्रीनिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ अब क्योंकि आप यहीं पे सारा कुछ कर पा रहे हो तो ये रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव रहेगा ठीक है तो इसके चलते हमें पॉलिसी होनी चाहिए और ऐसा नहीं कि किया डायबिटीज़ के लिए अलग है ये इसके अलग है ओल्ड एज ओल्ड एज है तो ओल्ड एज के लिए आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए फॉर हेल्थ केयर ठीक है अच्छा ओल्ड एज की हेल्थ को बोलते हैं गैरियाट्रिक केयर ठीक है तो ये यूनिक होती है स्पेश ऑब्वियसली इट इज एज कम्पेयर टू अदर्स इनके जो हेल्थ केयर नीड्स होती है अलग होती है तो ये है राइट right देन तो अगर एक क्वेश्चन आता है द द नीड फॉर डेडिकेटेड पॉलिसी ऑफ ओल्ड एज ये तो सिर्फ इसके बारे में हेल्थ केयर पर बात कर रहे हैं हमें थोड़ा और इसको होलिस्टिकली देखना पड़ेगा तो ये आप इसको देख सकते हैं बाद में बाकी आप देख लीजिए पोलिस पॉलिसी ऑन किया ये एक अलग थीम इसका बन सकता है हमारा राइट देन सो दिस दिसंशली कंक्लूड्स आर Editorial and opinion analysis so thank you for streaming in to Nimbus IAS with me Shubhashish Rehal bye bye take care and all the best